भारत की स्टार महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने इतिहास रच दिया है। 35 साल की मैरी कॉम ने छठी बार गोल्ड मेडल जीता। वह ऐसा कमाल करने वाली विश्व की पहली महिला मुक्केबाज बनी है। इस जीत के साथ मैरी ने बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की है। मैरी कॉम के सुनहरे करियर के पीछे उनकी अथाह मेहनत और जुनून छिपा है। एक वक्त था कि मैरी कॉम की बॉक्सिंग उनके पिता को पसंद नहीं थी। घर के सभी लोग इसके खिलाफ थे। घर से सपोर्ट नहीं मिलने के बाद भी मैरी ने अपने जुनून को मरने नहीं दिया। लेकिन साल 2005 में उनलर कॉम से शादी के बाद मैरी कॉम ने बॉक्सिंग की रिंग में कदम रखा। इसके बाद तो जो हुआ वो स्वर्णिम इतिहास हो गया। यह मैरी कॉम के पति का सपोर्ट ही था कि मैरी ने बॉक्सिंग की दुनिया में न केवल नाम कमाया बल्कि देश का नाम ऊंचा किया। आज न केवल उनके घर वालों को बल्कि पूरे देश को मैरी कॉम पर नाज है। मैरी ने 2007 में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन मां बनने के बाद भी उन्होंने अपना खेल जारी रखा। मैरी कॉम ने 2010 तक ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 मेडल अपने नाम कर लिए थे। 3 बच्चों की मां मैरी कॉम अपनी निजी जिंदगी में इतना व्यस्त रहने लगी कि एक समय उन्होंने संन्यास लेने तक का फैसला कर लिया था, लेकिन पति और घर वालों के कहने पर उन्होंने अपना फैसला बदला। आज मैरी कॉम देश के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। उन्होंने नारी शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण पेश किया है। यही वजह है कि उनके संघर्ष और मेहनत पर एक फिल्म भी बन चुकी है। मैरी कॉम को 2008 में मैग्निफिसेंट मैरी कॉम की उपाधि से नवाजा गया। साल 2006 में मैरी कॉम को पद्मश्री, 2009 में देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। 3 बच्चों की मां मैरी कॉम अपनी फिटनेस के लिए काफी मेहनत करती हैं। बॉक्सिंग रिंग के अंदर उनकी यह मेहनत देखी जा सकती है। जिस तरह अपने विरोधियों पर मैरी कॉम पंच बरसाती हैं, उसी तेजी के साथ विरोधी के पंच से खुद को बचाती भी हैं। मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। 35 साल की उम्र के बाद भी मैरी कॉम जिस तरह से बॉक्सिंग की दुनिया में अपना दम दिखा रही है, उसे देखकर किसी को भी हैरानी हो सकती है। मैरी कॉम स्पोर्ट्स में एक्टिव रहने के साथ साथ युवा मुक्केबाजों को भी तैयार कर रही हैं। मणिपुर में वह बॉक्सिंग अकादमी चलाती हैं। इस अकादमी में मैरी खुद भी प्रैक्टिस करती हैं और इन सब के बीच अपने 3 बच्चों का भी बाखूबी ख्याल रखती हैं। मैरी कॉम यहाँ से ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल की तैयारी कर रही हैं। इससे पहले उनके नाम एक ओलंपिक मेडल है। 2012 में लंदन ओलंपिक में मैरी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने कुल 7 पदक जीते हैं। मैरी कॉम ने पहली बार साल 2001 में अपना पहला पदक जीता था। उस वक्त उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा था। आज मैरी कॉम के नाम 14 इंटरनेशनल गोल्ड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।